वो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ज्यादा देखने की जरूरत है कि बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं चला गया। जो नशा है ना वो हमारे परिवार से ही शुरू होता है। हम अपने परिवार में कितनी बार आपने न्यू देखा है कि बाप बेटे में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है। कोई सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं गाँव धनोरी में जो की कैथर का गाँव है। और आप देखो की ग्राम सुधार युवा संगठन के सहयोग से जिला पुलिस कैथर द्वारा यहाँ पर नशा मुक्त अभियान आयोजित कराया गया है। और SP मैडम यहाँ पे पहुंची है तो उनसे बात करेंगे कि नशे को लेकर उनका क्या कहना है। वो आज यहाँ पर पहुंची है तो SP मैडम से बात करेंगे। राम राम। मैम क्या बोल रहे हैं? राम राम। अच्छा राम राम। तो मैम जैसे आप यहाँ पे पहुंची हो आज धनोरी में जो नशा अभियान है उसको लेकर तो क्या कहना चाहते हो? मेरी तरफ से युवाओं को यही अपील रहेगी कि जो नशा है उसको त्याग दे। उसकी वजह से पूरे घर खराब हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो वो इस लत से दूर रहे। इसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन है वो कंटिन्यूस अवेयरनेस प्रोग्राम भी क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो नशा तस्कर है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा रही है। तो लोगों से भी अपील है कि उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, हमारी तरफ से उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अभी तक अवेयरनेस में भी हमारी टीम है 2 महीने में लगभग 200 प्रोग्राम कर चुकी है और हमारी तरफ से ये कंटिन्यूस इस तरीके से अवेयरनेस भी चलती रहेगी। साथ में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अवेयरनेस के साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कुछ नशा बेचते हैं तो उसके साथ भी उस पर भी कार्रवाई की जाती है। मैम जिस प्रकार से जैसे ये अभियान चलाया गया है यहाँ पे मतलब हर एक गाँव में जाके ये अभियान शुरू किया गया तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? इससे अवेयरनेस लोगों को उनको पता है कि चीज़ें गलत हैं बुरी हैं लेकिन उसके बाद एक जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों में ये भी आया है। कुछ लोगों ने नशा छोड़ा भी है, हमारे पास उनकी सक्सेस स्टोरीज भी आई हैं। इसके अलावा हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि कौन नशा कर रहा है, कोई किसको लत है और कौन बेचता है। तो जिनको नशे की लत है उसके लिए भी हम CMO से टाइप करके काउंसलिंग की प्रोसीजर करेंगे कि उनको भी नशे से दूर मतलब लत है उनको छुड़वाने के लिए कोशिश की जाएगी। साथ में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो बेच रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैम आपने अपनी स्पीच में कहा कि जब हम छोटे थे तो हमें पता नहीं था ये चीज़ क्या है, तो क्या कारण कि आज के छोटे छोटे बच्चों को भी इन चीज़ों का पता चल गया? जो पहले होता था कि पंजाब तक या कुछ एरिया तक सीमित थी, अब धीरे धीरे उनका जो वो काफ़ी स्कूलों तक सीप हो गया है। उसी चीज़ में वही दिक्कत है, उसी को ही हमें दूर करना है। उसी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको पता तो रहना चाहिए, ठीक है उनको पता है लेकिन ये पता रहना चाहिए कि चीज़ें गलत है, इनको कंज्यूम नहीं करना है। अवेयरनेस अच्छी है बट वो पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए। देखो आप अधिकारी हर जगह जाते हो तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती रहती है इसमें। जी पहले ये होता था, पहले का कल्चर ये था कि जो लोग हैं मतलब एक क्लोज सिस्टम रहता था, सोसाइटी का प्रेशर रहता था, जो पंचायत थी बड़े बुजुर्ग थे उनका प्रेशर रहता था। कहीं ना कहीं अब सभी फैमिलीज हैं, सभी पेरेंट्स से वर्किंग हो गए हैं, उतना में भी बच्चों पे ध्यान क्योंकि वो खुद ही बिजी रहते हैं तो उतना में भी ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। तो वो चीज़ें हैं, वो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं चला गया। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। सरपंच साहब क्या कहोगे आज मतलब पुलिस प्रशासन की सहायता से यहाँ पे जो अभियान चलाया गया उसके बारे में? जो हरियाणा पुलिस ने जो ये नशा मुक्त अभियान चलाया उसके लिए पूरी हरियाणा पुलिस को बधाई, क्योंकि इस कड़ी में हमें जुड़ने का मौका मिला और कोई भी प्रशासन ये अकेला काम नहीं कर सकता। जब जन भागीदारी नहीं होगी तो युवा साथी इसके साथ जो भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और ग्राउंड लेवल तक लेके जाएंगे। सोनिया ना हमारे साथ है, आपने देखा होगा कि पूरी फेमस है ये सोशल मीडिया पे। राम राम मैम। राम राम जी। तो आज आप नशा मुक्त अभियान में पहुंची हो तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा आप पहुंचे नहीं थे उससे पहले, मैं कह चुकी थी, दोबारा बता देती हूँ। तो जी मेरा मानना है कि जो नशा है ना वो हमारे परिवार से ही शुरू होता है। हम अपने परिवार में कितनी बार आपने न्यू देखा है कि बाप बेटे में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपस में। बच्चा अगर कुछ गलत करे, मान लो उसने शराब भी पी ली तो वो नुकदा हंडेगा कि घर में लड़ाई हो जाएगी, उसने पिटेंगे मारेंगे, है ना। जब तक यह चीज़ नहीं मिटेगी ना इतना नशा नहीं मिट सकता कभी भी। जब तक बच्चा कोई गलत काम करके अपने घर में न्यू नहीं बताओगा ना कि मैंने कोई गलत काम कराया है तब तक उस चीज़ का सोल्यूशन क्यों करोगा? बच्चा के सोचा कि सेफ हूँ मैं बाहर अपने फ्रेंड जोन में, उनने बताओ वो ये बात। तो जब तक आप घर पे फोकस नहीं करांगे ना जब तक ये को नहीं हो सकता। आप नारे लगावा नशा मुक्ति के या बैनर लगावा उससे थोड़ी ना नशा मिटेगा। नशा जब मिटेगा हम उसने जागरूक करा कि नशा करण से तेरे के नुकसान हो जाएगा। आप अगले ही बताइए को नहीं आपने कि तू दारू पियेगा तो कल तेरे
लीवर खराब हो जाएगा, तेरे हार्ट में दिक्कत आएगी, तेरे एसिडिटी हो जाएगी, तेरे हाथ पैर कांपेंगे। जब उसका ये सिम्टम आने लगेंगे तो 20% चांस है कि वो खुद भी छोड़ने की कोशिश करेगा। उसने बेरा तो होना चाहिए ना कि वो शराब पी हुआ, इस वजह से उसका यह दिक्कत हो रही है। अपने पास पेशेंट आवे हैं लुक लुक के जो पीवे हैं, थर्ड ग्रेड का उनका फैटी लीवर होया हुआ है। अगर वो फर्स्ट ग्रेड में अपने घर के आने बता दे तो उड़े भी इलाज हो उसका है। कम्युनिकेशन मैंने नहीं लगा सबसे बड़ा साधन है कि नशा मिटाया जा सके। देखो अगर बच्चे की और माँ बाप की बात करें तो उनका बीच का वो संबंध था जो खत्म होता था। हाँ, वो गैप बहुत ज्यादा हो गया, चाहे वो किसी भी वजह से हो। मतलब मैंने नहीं लगा कि पेरेंट्स का डर नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए बच्चे के मन में, कि वो रिस्पेक्ट कि नहीं सोचा कुछ गलत काम कर दिया नहीं, कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। अगर वो डर की करेंगे तो लुक की कर लेंगे, है ना। तो वो गैप है मेन नशे की वजह। देखो कहीं ना कहीं मतलब हमें डिजिटल जमाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो संस्कार थे जो पिछले वो खत्म होते जा रहे हैं। सॉरी, संस्कार है जो खत्म होते जान लग रहे हैं। बिल्कुल, संस्कार क्यों खत्म होते जान लग रहे हैं। एक बार आप सेफ फील करा, लोगों में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करा, अपने दोस्त कुछ बता दे, हाँ भाई नया ट्राई करूंगा मैं। घर क्या था कितना कम कम्युनिकेशन है अपना, आके कोई बात करा आप कदे घर क्या था नहीं। जब तक ये गैप माँ बाप भी खत्म नहीं करेंगे, बच्चे भी खत्म नहीं करेंगे, जब तक ना तो कोई बुराई मिट सकती ना नशा मिट सकता। सोनिया जी, एक टाइम था कि मतलब डर लग गया करता, बाबू देख लेगा थप्पड़ मारेगा पीटेगा, बट अब वो चीज बची नहीं ना। अब बच्चे डर भी नहीं रहे हैं, है ना। क्या होगा, रात में घर में नहीं आवेंगे, अगले दिन आ जाएंगे। तो जो माँ बाप के साथ, मेरा तो एक ही मानना है कि अपना परिवार जब तक सुधरेगा नहीं ना, इतना समाज भी कौन सुधरेगा। परिवार में संस्कार डालो, बिल्कुल गलत है कोई बात यार नहीं, मतलब परिवार से ही तो शुरुआत होती है। आप समाज में तो बाद में सोचा हो, पहले अपना घर ठीक होगा, अपना आस पड़ोस ठीक होगा ना, जब भी समाज सुधर सके। मतलब जड़ा पे काम करो, जड़ पे बेसिक, कि क्या नुकसान हो जाएगा तारे दारू पीने से। अपने की सिखाया जाए, दारू पी के आया तो लड़ाई होगी नहीं, तुम उससे बात करो ना, लड़ाई क्यों करो, तुम समझाओ उसने दो दिन चार दिन, लड़ाई करना कोई सोल्यूशन नहीं, बातचीत करने से बहुत बड़े बड़े झगड़े सुधर जाए तो यो भी सुधर सके।